नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब मजे में होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। फ्रेंड्स, एक सवाल काफ़ी बार मेरे कमेंट सेक्शन में आया था। काफ़ी इम्प्लॉयज ने मुझे पर्सनली कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेजेस करके पूछे हैं कि सर एक वीडियो अपलोड कीजिए, फैसिलिटी सुपरवाइजर काम क्या करता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैसिलिटी सुपरवाइजर, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फैसिलिटी सुपरवाइजर, ऐसे काफ़ी सवाल है जो काफ़ी बार पूछे गए थे। तो आज का वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैसिलिटी सुपरवाइजर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है कि आज मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे 78% मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, एक बार और आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा खुद का एक पर्सनल व्लॉग चैनल है जिसका नाम है विक्की जोशी व्लॉग्स, जहां पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वीडियोस को अपलोड करता हूं। एंड आई होप अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। आप वहां जाइए, चैनल को विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फैसिलिटी सुपरवाइजर्स इज टोटली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू हैव जॉइन। आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, आपने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, वो डिफाइन करेगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन लगभग सेम होता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है एज पर द नेचर ऑफ कंपनी, एज पर द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाने की सोच रहा है तो वो बेसिकली टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। नंबर वन, सॉफ्ट सर्विसेज। यहाँ पे उसको जो पोजीशन मिलेगी वो मिलेगी सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइजर, फैसिलिटी सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर या कैबिन सुपरवाइजर। नंबर टू आती है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे जो उसको पोजीशन मिलेगी वो मिलेगी कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर या फिर प्रोडक्शन सुपरवाइजर या फिर स्टोर कीपर। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर फैसिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू ज्वाइन कर सकता है, वो है वेयरहाउस। लेकिन वेयरहाउस में ज्वाइन करने के लिए आपको 6 महीने का एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स करना होता है जो काफ़ी स्टेट में गवर्नमेंट के थ्रू फ्री में कराया जाता है। ये कोर्सेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आपको 3 महीने एज ए वर्कर ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देख के वो लोग आपको एज ए सुपरवाइजर प्रमोट करते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइजर। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर एंड सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइजर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लगभग सेम है, बस एक मेजर डिफरेंस है। जैसे कि होटल्स में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर गेस्ट रूम को चेक करता है, सेम सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइजर ऑफिसेस एंड कैबिन्स को चेक करता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन पे, जैसे कि स्टाफ की अटेंडेंस लेना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, स्टाफ की ब्रीफिंग लेना, ग्रूमिंग चेक करना, ट्रेनिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इन्वेंटरी लेना, जितना भी सामान बाहर जा रहा है या जितना भी सामान बाहर से आ रहा है उसका स्टॉक मेंटेन करना, जितना भी आपके पास इक्विपमेंट हैं उसका मेंटेनेंस चेक करना, रिपोर्ट बनाना, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में सेंड करनी होती है, ऑफिसेस को चेक करना, पब्लिक एरिया चेक करना, कार पार्किंग एरिया चेक करना, कॉमन एरिया चेक करना, पेंट्रीज चेक करना एंड अपने एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना। तो सेम जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट सर्विस सुपरवाइजर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और वो क्या क्या काम करता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपने एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ज्वाइन किया है तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। देखो, स्टाफ की ट्रेनिंग लेना, स्टाफ को ब्रीफ करना, स्टाफ की ग्रूमिंग चेक करना, इन्वेंटरी लेना, स्टॉक मेंटेन करना,
ये तो प्राइम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसी भी सुपरवाइजर की, चाहे वो होटल में जॉब करो, चाहे वो वेयर हाउस में जॉब करो, चाहे वो टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हाउस में जॉब करो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस में जॉब कर रहा हो। लेकिन एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर आपको बहुत कुछ करना होता है, जैसे कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का काम आपको चेक करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी आपकी डाउनलाइन की टीम है वो प्रॉपर वे में काम कर रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आपको बनानी है, जितना भी सामान आपके पास बाहर से आ रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जितना भी सामान आपके स्टोर से बाहर जा रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं इनवर्स एंड आउटवर्स रिकॉर्ड। मान लीजिए आज आपके पास 5 WC सेट आए हुए हैं, तो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है इनवर्स में, यानी कि बाहर से अंदर आया है। वो सिक्योरिटी में चेक होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के साइन होंगे, वो होंगे, लेकिन उसके बाद जब वो आपके अंदर आएगा तो आपके पास भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 5 WC सेट आए हैं और 5 में से 2 WC सेट आपने किसी बिल्डिंग में भेज दिए हैं, मान लीजिए ए फ्लोर के 105 रूम नंबर पे या ए टावर के 105 ऑफिस के कैबिन पे, किसी भी जगह पे आपने भेजे हैं, तो वो रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए कि 2 कहाँ गए हैं, कौन से एरिया पे गए हैं, कौन लेके गया है, जो लेके गया है उसके साइन होने चाहिए, उसका नाम होना चाहिए और लास्ट में आपके साइन होने चाहिए। ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है डे टू डे बेसिस में, ताकि जब आप मंथ एंड की रिपोर्ट बनाओ, इन्वेंट्री बनाओ, तो वो रिकॉर्ड आपके साथ टैली होना चाहिए। अगर आपके पास कैश है, कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के पास कुछ कैश होता है ताकि वो डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज कर सके। तो अगर आप कुछ सामान लेके आ रहे हो, मान लीजिए आप हाउसकीपिंग के लिए ब्रूम लेके आ रहे हो, झाड़ू लेके आ रहे हो, मोप लेके आ रहे हो, केमिकल लेके आ रहे हो, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। डे टू डे कैश मैनेजमेंट आपको प्रॉपर वे में मैनेज करना है। इसके अलावा आपके पास जितने भी इक्विपमेंट हैं उसका मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग आपको देखनी है। अगर आपके ऑफिस से, आपके स्टोर से कोई इक्विपमेंट जा रहा है काम के लिए, मान लीजिए आप मॉर्निंग 9 o'clock आपने स्टोर खोला और कोई वर्कर आपसे वैक्यूम क्लीनर लेके जा रहा है, तो आप उसके साइन करोगे कि वो वैक्यूम क्लीनर कहाँ के लिए लेके जा रहा है, और जब वो ड्यूटी ओवर करके जाएगा तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो वैक्यूम क्लीनर वापस स्टोर में आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपके पास जो भी सामान आ रहा है उसकी क्वालिटी आपको चेक करनी है, उसकी क्वांटिटी आपको चेक करनी है। मान लीजिए आपके पास 100 किलो रेता आया है, सीमेंट आया है, या 10,000 ईंट आई है, ये सब आपको चेक करना होता है, अपने आंखों के सामने अपनी प्रेजेंस में उठवाना होता है, इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफ़ी टफ होती है। इसके लिए आपको प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिशियन का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। मान लीजिए प्लम्बिंग का कुछ सामान आ रहा है, एल्बो आ रहा है, ठीक है, आपके कुछ भी सामान आपका प्लम्बिंग का आ रहा है, तो वो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इस सामान को क्या बोलते हैं, वो सामान आया है और कहाँ लगेगा, और जब लगेगा तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन लेके गया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बल्ब भी, एक ट्यूबलाइट भी अगर स्टोर से जा रही है तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। तो ये कॉमन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैसिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू कहाँ कहाँ आप एज ए सुपरवाइजर जॉब कर सकते हैं और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।